बिहार से लेकर यूपी, दिल्ली और अमेरिका तक छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। आज छठ पूजा का अंतिम दिन है और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ये पवित्र पर्व संपन्न हुआ। आस्था के इस पर्व पर नदी के तटों पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। छठ पूजा के चौथे दिन श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा, यमुना समेत अन्य नदियों के किनारे और कृत्रिम घाटों पर इकट्ठा हुए। वहीं चार दिवसीय छठ महापर्व के अंतिम दिन रांची के अनेक तालाबों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। बता दें कि छठ महापर्व विश्व का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ महापर्व आस्था का पर्व तो है, लेकिन इसके कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं, जिसकी वजह से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। उगते सूर्य की उपासना के बाद छठ व्रतियों ने पारण कर 30 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। रांची समेत राज्य के हर जिले में छठ पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। छठ घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। राजधानी रांची के दर्जनों तालाब, डैम और नदी किनारे बनाए छठ घाटों में उगते सूर्य को अर्घ्य देने व्रती पहुँचे। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों और कृत्रिम जलाशयों में भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। सभी छठ घाटों पर छठी मैया की गीतों से पूरा माहौल भक्ति में रहा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर सभी छठ घाटों पर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। राजधानी रांची में छठ घाटों पर जहां NDRF की 4 टीम मुस्तैद रही, वहीं छठ पर्व पर अपने घरों में ताला लगाकर अर्घ्य अर्पित करने गए घरों की सुरक्षा के लिए दिन रात भर पुलिस गश्त करती रही। रांची में कांके डैम, हथिया तालाब, बड़ा तालाब और हटिया डैम में NDRF की टीम की तैनाती की गई थी। NDRF की टीम ने गहराई वाले स्थानों को चिन्हित कर रेड रिबन लगाने के साथ बैरिकेडिंग भी की गई। इसके अलावा लगातार बोट से छठ घाटों में NDRF की टीम गश्त करती रही। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।